दोस्तों मैं हूं जीशान आलीपुर, आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में बताने वाला है, अगर आप बिहार के हैं तो आप कृषि कल्याण अभियान के तहत जुड़कर आप किसान की कोई भी मशीन हो या कोई भी किसान संबंधित मशीन हो तो उसको आप कम दाम में सब्सिडी से कम दाम में ले सकते हैं, मार्केट से कई गुना कम दाम में आप उनको गवर्नमेंट के द्वारा ले सकते हैं। उनके लिए आपको कुछ करना होता है जिसमें आपको कृषि कल्याण अभियान के तहत जुड़ना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताएं किस तरह उसमें जुड़ेंगे हैं और उसके तहत कोई भी मशीन को आप किस तरह कम से कम दाम में आप गवर्नमेंट के द्वारा ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से गुजारिश करेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार की इस वेबसाइट का लिंक दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं कृषि कल्याण अभियान के तहत जुड़ने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका डेट जो है, लास्ट डेट है 20 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। अभी तक तो 20 सितंबर से हो सकता है आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है, तो 20 सितंबर तक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, आपको कृषि कल्याण अभियान के तहत जुड़ना होगा। कृषि कल्याण अभियान तहत जुड़ने के लिए यहाँ पे आएंगे कृषि कल्याण अभियान और यहाँ पे एप्लीकेशन इंटरव्यू क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे एप्लीकेशन इंटरव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वो पंजीकरण आईडी देना है। पंजीकरण आईडी क्या होता है वो बता देते हैं। पंजीकरण आईडी जब भी आप, उससे पहले आपको किसान रजिस्ट्रेशन करना होता है। किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा dbtagriculture.bihar.gov.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपको आना होगा और यहाँ से आपको किसान रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान पंजीकृत किसान, यहाँ पे क्लिक करेंगे पंजीकृत कर लेंगे। जब किसान पंजीकरण हो जाएगा या पहले से आप कर चुके हैं या किसान का पंजीकरण पहले से आप कर चुके हैं, अगर नहीं किए तो इस वेबसाइट पे आकर यहाँ से पंजीकरण कर लेंगे। पंजीकरण करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा जिसपे आपको पंजीकरण नंबर रहता है, उस नंबर को आपको इस बॉक्स में इंटर करना होगा। उसके बाद पंजीकरण विवरण प्राप्त करें भी क्लिक करेंगे। किसान रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी किसान रजिस्ट्रेशन का रसीद मिलता है उस पर जो नंबर रहता है वो नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके वजह से मैं पंजीकरण विवरण प्राप्त करूँ तो उसके बाद यहाँ सारा डिटेल, नाम, शहर वगैरह, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे शो कर जाए। उसके बाद कह रहा है ये दिया गया डिटेल सारा चीज़ सही है तो यस करेंगे, अगर गलत है तो नो करेंगे। तो मेरा सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे यस पे टिक मार्क लगा देंगे। जैसे यस पे टिक मार्क लगाते हैं यहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ, मैंने कर रहा था ये जो क्लाइंट है ये मधेपुरा जिला का है बिहार के, तो यहाँ पे लिखा जिला मधेपुरा के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिला मधेपुरा में अभी ये ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है। अगर आप किसी दूसरे जिला के हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में दिया गया आवेदन के पश्चात उपयुक्त विवरण को बदला नहीं जा सकता। आवेदन अगर आप कर देंगे तो उसको आप बाद में चाहे चेंज करने के लिए तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप मधेपुरा जिला के अलावा कुछ किसी भी जिला के तो आप यहाँ पे एक बार आइए ट्राई कीजिए। अगर आपका जिला ले रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ से आवेदन करके कम दाम में ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कृषि कल्याण अभियान योजना अंतर्गत एक किसान पंजीकरण संख्या पर अधिकतम 2.5 लाख रुपए के कृषि तंत्र या एक से अधिक ही क्रय किए जा सकते हैं। मतलब इस योजना के तहत इतना लाख का आपको। तो यही था एक छोटा जानकारी जिसमें आपको बताने वाले कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, जिसका जिला में हो रहा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मधेपुरा जिला का आवेदन था, ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम आवेदन इसको नो करके एक बार देखते हैं, मतलब कि आवेदन जो दिया गया इस गलत है। तो फिर भी ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये मधेपुरा जिला में आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप दूसरे जिला से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कौन से जिला से हैं, अगर आपका आवेदन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं ले रहा है तो अपना नाम और जिला का नाम कमेंट कर दीजिए। आपकी जिला की जो भी सरकारी योजना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होती है उसके बारे में वीडियो बना दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर यहाँ तक है, ठीक। तो हम उस जिला के पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उस जिला की वीडियो हम ज़्यादा लाते रहते हैं, इसलिए अपना नाम और जिला को कमेंट कर देंगे अगर आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन सा जिला का हो रहा है वो भी कमेंट करके हमें बता दीजिए। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
यहाँ बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे डीलर रजिस्ट्रेशन, आप डीलर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और सिटीजन कॉर्नर, यहाँ बहुत सारे आपको सर्विस पे फार्मर एप्लीकेशन, ठीक है, जैसा भी नहीं चल रहा नहीं है एक्टिव सीपी, ये कृषि कल्याण अभियान जो यही सिर्फ अभी काम कर रहा है, और इसका डेट जो है अभी 20/9 तक है, और हो सकता है आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या, ये ट्रैक्टर है, फाल तो हल जोतने वाला है, हल जोतने वाला जो होता है वो है, ये सब में जो आप खरीदेंगे जिसमें आपको 2.5 लाख तक का छूट मिल सकता है अगर आप इसमें जुड़ जाते हैं तो। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैंने आपके लिए पहले से बहुत सारे यूजफुल वीडियो बना के दे दिया आपको, इसलिए यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए जीशान मॉनिटर, जीशान मॉनिटर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो मिल जाएगा, देख सकते ये वाला लोगो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको हमारे इस चैनल पे आ जाना ये वाला लोगो पे, और यहाँ बहुत सारे मैं आपको बता दिया हूँ कि कीबोर्ड डाउनलोड करना, हिंदी टाइपिंग करना, अगर आप बाइक वगैरह लोन पे लिए हैं तो उसको किस तरह आप ऑनलाइन उसका किस्त जमा कर सकते हैं, ठीक है, और आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, अपना खुद का एपीएस पोर्टल कैसे बनाएं, और बहुत सारे यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिए, बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, ठीक है, बहुत CTA चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, तो बहुत आपकी काम की वीडियो मैंने बना दिया है। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आया तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।